हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। उस दिन आपको लेटर में बताया गया था आयुष्मान कार्ड का जो नया पोर्टल आया हुआ है, उस पोर्टल के संबंध में आपको बताया गया था। उस पोर्टल को जारी हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। आइए पोर्टल को कैसे लॉगिन करेंगे और पोर्टल के बारे में क्या क्या डिटेल्स हैं उसको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो में कुछ भी समझ ना आए तो कृपया कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपने मोबाइल या क्रोम में प्ले स्टोर को सर्च कर लेना है। जब भी प्ले स्टोर मिल जाए तो प्ले स्टोर में आपको उस एप्लीकेशन को सर्च करना है, ठीक है। आप उस एप्लीकेशन को सर्च करेंगे, इसमें आयुष्मान ऐप करके, ठीक है। खोजे वाले बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इस टाइप से जितने भी आयुष्मान के एप्लीकेशन बनाए हुए हैं तो यहाँ पे सामने आ जाएंगे आपके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो शो कर रहा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य, फर्स्ट वाले पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसको देख सकते हैं कितने लोगों ने डाउनलोड कर रखा है, यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। फिर यहाँ से आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद इसे अलाउ कर देंगे तो ये एक छोटा सा एप्लीकेशन है, इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद चलिए हम इसको इंस्टॉल होने देते हैं। थोड़ा नेटवर्क स्लो है, जल्दी जल्दी मैं इसे कर लेता हूँ। तब तक डाउनलोड होता है। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप लोग, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसको हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं, और ये एक छोटा सा वीडियो है। मैं उस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यह बताने का कोशिश करूँगा कि कैसे कैसे आपको स्टेप बाई स्टेप आयुष्मान कार्ड बनाना है। तब तक ये डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होता है फिर मैं इसे लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे आपको जो भी डिटेल्स चाहिए इस एप्लीकेशन का यहाँ पे नीचे मिल जाएगा। इसको आप क्लिक करेंगे तो इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है बेनिफिशरी ऑपरेटर, जो भी है बेनिफिशरी पे करेंगे, या फिर आप लोग ऑपरेटर हैं तो ऑपरेटर पे क्लिक करके इसे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन होने के बाद इस टाइप से पेज ओपन होगा। तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी ये डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होने दीजिए। कितना 21% हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरी तरह से कंप्लीट होने वाला है। जैसे ही कंप्लीट होगा, इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल होने के बाद इसे ओपन करेंगे हम लोग। तो इस इंस्टॉल होने दीजिए फिर ओपन करते हैं। ठीक है, इंस्टॉल हो गया, ओपन किया हमने। इस एप्लीकेशन के जो भी डिटेल्स होंगे आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ जो भी है NHA डाटा द्वारा जो प्राइवेसी पॉलिसी है, इसको आपको ये टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे इस टाइप से पोर्टल ओपन हो जाएगा। पोर्टल जैसे ही ओपन होता है, आई एम एलिजिबल के नीचे यहाँ पे दे रहा है लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो आप जिस भी भाषा में जैसे भी आपको अच्छा लगे, हिंदी या इंग्लिश करके आप इसे चूज कर सकते हैं। तो यहाँ से चूज करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने के बाद आप इसे आपका ये लोकेशन अलाउ करने के लिए बोलेगा, आप उसे अलाउ कर सकते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी डिटेल्स है, आधार नंबर का आप आधार देंगे, ठीक है। यहाँ पे बेनिफिशरी का, तो आप यहाँ से आधार नंबर दे सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आधार नंबर देता हूँ, सिक्योरिटी की वजह से मैं इसे थोड़ा जल्दी से फास्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर डालना है, आधार नंबर नहीं यहाँ पे डालना है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर इंटर करेंगे फिर मोबाइल OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, 1089110, ठीक है। OTP डाल के सबमिट करेंगे, 1089110, ठीक है। फिर उसके नीचे यहाँ पे दे रहा है कैप्चा फिल करने के लिए। तो कैप्चा, अगर आपको OTP नहीं समझ आता है तो यहाँ से जो भी सेकंड चलते हैं
180 सेकंड के बाद इसे आप रीसेंड भी कर सकते हैं। अगर कैप्चा समझ नहीं आता है तो आप कैप्चा फिर से फिल कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कैप्चा, एक इस कैप्चा वैल्यू के, कभी कभी होता है कैप्चा वैल्यू भी समझ नहीं आता है, तो उस कैप्चा वैल्यू को आप फिर से यहाँ से जो तीर का निशान दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो वो नेक्स्ट वाला कैप्चा आ जाएगा, फिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे कैप्चा फिल करता हूँ। कैप्चा दिया गया है स्मॉल के एच 4YBB, स्मॉल के एच 4YBB। ठीक है, मैं इसे यहाँ पे नीचे आता हूँ, लॉगिन करता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होते ही आपको कह रहा है सर्च फॉर बेनिफिशरी। ठीक है, जो भी आपके बेनिफिशरी होंगे आप यहाँ से सर्च करते कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से स्टेट सिलेक्ट करेंगे। तो ये लॉगिन का प्रोसेस था, मुझे लॉगिन का प्रोसेस बताना था। फिर मेरे पास एक वीडियो क्लिप है, मैं उस वीडियो क्लिप को प्ले कर देता हूँ, आप उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि, या फिर उस वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल भी समझ आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। यहाँ से आप क्या करेंगे, ज़िला सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका ज़िला रहेगा, डिस्ट्रिक्ट, आप यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप फैमिली आईडी में अपना राशन कार्ड नंबर डाल के चेक कर सकते हैं। अगर आपका राशन कार्ड नंबर है तो डिटेल्स इस तरह से आपके सामने शो कर देगा। राज्य चुनें, लागू योजना का चयन करें, चुनें कि आप किस आधार पर लाभार्थी की तलाश करना चाहते हैं। यहाँ हमने फैमिली आईडी का चयन किया है। फैमिली आईडी का चयन करने के बाद अपना जिला चुनें। और अपनी फैमिली आईडी दर्ज करें। सभी विवरण दर्ज करने के बाद खोजें बटन पर टैप करें। एप्लीकेशन आपके परिवार आईडी से संबंधित लाभार्थियों की सूची प्रदर्शित करता है। अगर आपका ईकेवाईसी नहीं हुआ है तो आपका नाम नारंगी रंग में दिखाई देगा। ईकेवाईसी करने के लिए खुद का चयन करें। प्रमाणीकरण पॉपअप दिखाई देता है। प्रमाणीकरण पॉपअप पर आप आधार का ओटीपी, फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और चेहरा प्रमाणीकरण के माध्यम से खुद को प्रमाणित कर सकते हैं। जब आप आधार का ओटीपी का चयन करते हैं तो आपको अपने मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा जो आपके आधार के साथ पंजीकृत है। जब आप फिंगरप्रिंट का चयन करते हैं तो आपको अपने फिंगरप्रिंट को प्रमाणित करने की आवश्यकता होगी। जब आप आइरिस स्कैन का चयन करते हैं तो आपको अपनी आइरिस को प्रमाणित करने की आवश्यकता होगी। जब आप चेहरा प्रमाणीकरण का चयन करते हैं तो आपको अपने चेहरे को प्रमाणित करने की आवश्यकता होगी। आपका फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और चेहरा प्रमाणीकरण आपके आधार की मदद से प्रमाणित होते हैं। इस प्रदर्शन के लिए आइए आधार का ओटीपी चुनते हैं। अपना आधार नंबर दर्ज करें। अपना आधार नंबर सत्यापित करने के लिए सत्यापित करें बटन पर टैप करें। सहमति दे पॉप अप दिखाई देता है। आगे बढ़ने से पहले इससे ध्यान से पढ़ें। एक बार जब आप सहमत हो जाते हैं तो इससे स्वीकार करें और अनुमति दें बटन पर क्लिक करें। जब आधार सफलतापूर्वक सत्यापित हो जाता है तो एक हरे रंग का चेकमार्क दिखाई देता है। आधार ओटीपी दर्ज करें। सफल प्रमाणीकरण पर एक संदेश प्रदर्शित होता है जिसमें कहा जाता है कि आपने स्वयं को परिवार के सदस्य के रूप में सफलतापूर्वक प्रमाणित कर लिया है। कार्ड बनाने के लिए आगे बढ़े पृष्ठ पर ले जाया जाता है।
यह पेज आपका नाम, उम्र, लिंग, संबंध, योजना, अनुमोदन की स्थिति, आधार या वर्चुअल आईडी, परिवार आईडी, मोबाइल नंबर, सदस्य आईडी और पता प्रदर्शित करता है। अपना कार्ड बनाने के लिए आप अपना EKYC, आधार का OTP, फिंगरप्रिंट, आईरिस स्कैन या चेहरा प्रमाणीकरण के माध्यम से कर सकते हैं। इस प्रदर्शन के लिए आइए आधार का OTP चुनते हैं। अपना आधार नंबर दर्ज करें। अपना आधार नंबर सत्यापित करने के लिए सत्यापित करें बटन पर टैप करें। सहमति दे पॉप अप दिखाई देता है। आगे बढ़ने से पहले इससे ध्यान से पढ़ें। एक बार जब आप सहमत हो जाते हैं तो इससे स्वीकार करें और अनुमति दे बटन पर क्लिक करें। जब आधार सफलतापूर्वक सत्यापित हो जाता है तो एक हरे रंग का चेकमार्क दिखाई देता है। आधार OTP दर्ज करें। इसके बाद लाभार्थी की तस्वीर अनुभाग में अपनी छवि कैप्चर करें। यह इमेज आपकी आधार इमेज से मैच की जाएगी। तुलना विवरण अनुभाग में आपके स्रोत विवरण और आपके EKYC विवरण को मिलाया जाएगा। आपके EKYC को स्वत स्वीकृत करने के लिए आपका तुलना का स्तर 80% या उससे अधिक होना चाहिए। इसके बाद आपको अतिरिक्त जानकारी दर्ज करने की आवश्यकता है। यदि आपको अपना मोबाइल नंबर अपडेट करने की आवश्यकता है तो यस का चयन करें। इस प्रदर्शन के लिए हमने नो का चयन किया है। अपने संबंध का चयन करें और अपने जन्म का वर्ष दर्ज करें। अपना पिन कोड दर्ज करें। पिन कोड डालने पर राज्य और जिले की फील्ड्स अपने आप भर जाती है। चुनें कि आप रूरल अथवा ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है या फिर अर्बन अथवा शहरी क्षेत्र से संबंधित है। जब आप अर्बन का चयन करते हैं तो आपको शहर या वार्ड दर्ज करना होगा। रूरल का चयन करने पर आपको उपजिला और गांव दर्ज करना होगा। इस प्रदर्शन के लिए रूरल का चयन किया गया है। इसके बाद अपने उपजिले का चयन करें और अंत में अपने गांव का चयन करें। सारी जानकारी भरने के बाद जमा करें बटन पर टैप करें। एप्लीकेशन संदेश प्रदर्शित करता है कि EKYC पूरा हो गया है और आपका आयुष्मान कार्ड डाउनलोड के लिए तैयार है। अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड कार्ड लिंक पर टैप करें। आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध PDF रीडर का उपयोग करके डाउनलोड किए गए कार्ड को खोल सकते हैं। आयुष्मान कार्ड को आयुष्मान मोबाइल ऐप में डाउनलोड कार्ड टैब से भी डाउनलोड किया जा सकता है। अपने नाम के आगे वाले तीर या आरो पर क्लिक करें। एप्लीकेशन आपको आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करने, प्रिंट करने और साझा करने की अनुमति देता है। इसके बाद क्या करना है आपको? आप अपने परिवार के अन्य सदस्यों के लिए KYC करने के लिए, उनका आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए या फिर डाउनलोड करने के लिए सेम इसी प्रकार के प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। ये थी आज की एक ऑथेंटिक और सटीक अपडेट। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी अपडेट या फिर ऐसी वीडियो पाने के लिए। जय हिंद, बाय दोस्तों। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद, बाय दोस्तों।